हे एवरीवन, आई एम साकिब एंड यू आर वाचिंग साकिब 07 व्लॉग्स। तो आ चुके एक नई वीडियो के साथ। तो मेरा नाम हुआ साकिब, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल साकिब 07 व्लॉगर। तो आ चुके एक नई वीडियो के साथ। तो गाइज, आज हम अपने बुलेटर के सबसे पीछे वाले खेत में आए हैं, जिसमें थोड़ा मोड़ा कुछ बुन के रखा हुआ है। जैसे एक बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये हमारा शरीफा का पेड़ है, तो इसे हम तोड़ने आए हैं। उसके लिए एक झोला ले लिया है और ये डंडा ले लिया, इसमें बढ़ गए हैं और मुझे खाने का भी मन कर रहा था। मैंने सोचा कि छोड़ लूँ और चलिए फिर तोड़ते हैं, फिर आपको मिलता है। और आज हम मार्केट भी जाएंगे और मुझे मार्केट में बहुत ज़रूरी काम है, तो इसलिए मार्केट भी चलते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, मज़ा आएगा। आपके मन में डाउट होगा कि साकिब भाई इधर कहाँ भटक रहे हैं, तो असल में हम भटक नहीं रहे हैं। ये मैं आया था इधर कुछ काम से और मेरा घर इधर पास में ही है, तो पीछे दिख रहा होगा ये हाईवे का कुछ काम चल, तो इधर ही से हम थोड़ा सोच रहे हैं कि कुछ काम करने आए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे। मैं खा मखा चला चला देख सकते हैं इधर पूरा जल गया। लाइक अगर यहाँ पे फायर ब्रिगेड होता तो इस टाइप का कुछ नहीं होता और सब बुझ जाता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ फैसिलिटी है ही नहीं हमारे छतरपुर में। तो देखिए इसके वजह से कितना नुकसान हो गया भारी, और अभी उसके अंदर गैस सिलेंडर है, तो वो भी अगर फटा तो फिर और भी दिक्कत होगा। इधर कितना सारा पब्लिक का भीड़ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। देखिए लापरवाही का वजह, अगर फायर ब्रिगेड होता है यहाँ पे तो ऐसा कुछ कांड नहीं हो रहा होता है।
तो गाइज अभी घर आ चुके हैं और जो हमने देखा वो अनएक्सपेक्टेड था। तो ये पूरा क्रेडिट हमारे मुकेश भाई को जाता है, क्योंकि मैं तो वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाया, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था। ऐसे हालात में मैं वीडियो बनाता, आप बताओ। और ये छतरपुर में एक तो फायर ब्रिगेड होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि अभी ये हाल है। इस दुकान में आग लगा तो कोई ही नहीं, किसी के घर वर में लग जाएगा, किसी का बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए तो रहनी चाहिए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।